जिले में डेंगू के खिलाफ मुतलका महकमों के इंसदादी और हिफाजती इकदामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सर्विलेंस सरगर्मियों के खातिर ख्वाह नताइज न दिखाने वाले महकमे जवाबदेह होंगे। ये बात डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में इंसदादी डेंगू इकदामात पर अमल दरामद का जायजा लेते हुए कही। FDA सिटी में सिक्योरिटी अमूर को मजीद बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से 4 दीवारी तामीर की जाएगी, जबकि CCTV कैमरों की तंसीब की प्लानिंग के अलावा झाड़ियों का सफाया करने के इकदाम भी किए जाएंगे। ये बात डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर फैसल अजीम को FDA सिटी के दौरे के मौके पर दफ्तर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में ब्रीफिंग के दौरान बताई गई। कारोबारी ताल्लुकात में अमानत रखवाया हुआ लाखों रुपए मालियत का कपड़ा खुर्द बुर्द कर लिया गया। थाना मंसूराबाद में मुकदमे का इंदराज करवाते हुए वसीम नामी शहरी ने पुलिस को बताया कि उसने कारोबारी ताल्लुकात की बिना पर लाखों रुपए मालियत का कपड़ा शहबाज, शहजाद और अशरफ नामी अशखास के पास बतौर अमानत रखवाया था, जो मुलजिमों ने वापस करने की बजाय खुर्द बुर्द कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। दरीना रंजिश के बिना पर ख्वातीन समेत अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। थाना जंग बाजार के इलाके हमीद पार के रिहायशी वकास ने मुकदमे का इंदराज करवाते हुए पुलिस को बताया कि वह अपने अहले खाना के हमराह घर पर मौजूद था कि इसी दौरान मुलजिम अदनान और उसके दीगर साथियों ने दरीना रंजिश के बिना पर घर पर धावा बोल दिया और ख्वातीन समेत अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शदीद जख्मी करने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोरोना ने मजीद 7 जिंदगियां निगल ली। 192 नए मरीज रिपोर्ट। पॉजिटिव केसों की शरह 20% तक पहुंच गई। हर आने वाला नया दिन कोरोना के लिहाज से बदतरीन साबित होने लगा। फैसलाबाद में 1043 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट परफॉर्म हुए, जिनमें से 851 की रिपोर्ट मनफी जबकि 192 की मुस्बत रही और यूं मुस्बत केसों की शरह 20% रही, जो इंतहाई तशवीशनाक है। तिब्बी माहरीन ने सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दे दिया, जिनका कहना है कि आवाम की बे एहतियाती की वजह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। सूबाई वजीर बराए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम मोहम्मद अजमल चीमा, RPO रिफत मुख्तार राजा और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शहजादा उमर अब्बास बाबर ने चक झुमरा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग ब्रांच ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत का इफ्तिताह कर दिया, जिसकी बदौलत चक झुमरा के रिहायशी दहलीज पर ही मोटरसाइकिल और कार का लर्नर और बाद अजा मतलूबा शराइत पूरी करके लाइसेंस भी उसी जगह से हासिल कर सकेंगे और उन्हें फैसलाबाद नहीं आना पड़ेगा। साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर ने कौमी टीम मैनेजमेंट को मशवरा दिया है कि T20 क्रिकेट में फखर जमान और शर्जील खान को बतौर ओपनर्स भेजा जाए। गुज़िश्ता रोज यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान को बैटिंग ऑर्डर में निचली पोजीशन पर लाना चाहिए, क्योंकि शर्जील खान ज्यादा मौजूं ओपनर साबित हो सकते हैं। शुएब अख्तर के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले, लेकिन मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में बतौर ओपनर शर्जील खान ज्यादा बेहतर साबित होंगे, क्योंकि वो फखर जमान के साथ मुखालिफ बॉलिंग लाइन को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। वाजे रहे कि कौमी टीम को 4 मैचों की सीरीज में 0-1 से बर्तरी हासिल है। जराए के मुताबिक मुकाबले के लिए स्पोर्टिंग विकेट तैयार की गई है, जिस पर शायकीन को चौकों और छक्कों की बरसात मिल सकती है।